पहुंच गए इंडिया, हमारा होटल रिसॉर्ट। सामने मस्त पार्किंग भी दिख रहा है, मेरे को पसंद ही आया। हम लोग को चाहिए था पेट फ्रेंडली स्टे, बहुत रिसर्च करके booking.com और मेक माई ट्रिप से हम लोगों ने निकाला आई इंडिया होटल, विच इज़ अ ब्रिटिश बंगलो 150 ईयर्स ओल्ड। देखिए इसके नज़ारे बहुत ब्यूटीफुल है। हाय हाय, क्या व्यू है देखिए यहाँ से, जबरदस्त व्यू, इतनी क्वाइंट प्लेस है और क्या ही व्यू है, ठंडी ठंडी हवा। And this is the stay. तो यहाँ पे मैनेजर ने कहा कि बॉनफायर भी होता है, और ये देखिए क्या व्यू है। सो होटल में चेक इन करा के हम लोग निकल के आए कि बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, जैक एंड जिल को आराम से खिलाए। सो होटल में अब क्योंकि हम लोग लेट से पहुँचे, लंच का तो टाइम चला गया था, बट दे हैव हेल्प्ड अस विद सम वाइट राइस। सो जैक एंड जिल को खिलाए पिलाए, सुला दिया अच्छे से, फिर हम लोग बाहर आके अभी एक रेस्टोरेंट में बिरयानी एंड कबाब, जे जे रेस्टोरेंट करके वहाँ से ले रहे। टेस्ट करके बताते हैं कैसे लगा। ये रहा मटन बिरयानी, चिकन 65, रायता, रस्सा और नीला के लिए चिकन बिरयानी। ये सेफेस्ट ऑप्शन है और लग रहा है देख के कि स्वाद अच्छा ही होगा, खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। मेरी फ्रेंड शबीना बोलते थे कि बिरयानी को बस महसूस करो फिर इसको खाओ, थोड़ा कबाब, बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही अच्छा। मैंने पूरा व्यू दिखाई बाहर से, पर अंदर का और भी जो रूम्स है, आई थॉट आई विल जस्ट शो इट। अंदर जाते ही आपको ग्लास के डोर्स मिलेंगे विच रिमाइंड यू ऑफ 1900 सेंचुरीज के घर। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लोरल वुडन वर्क के टेबल्स देखने को मिले, विच वॉज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। काफ़ी पुराने पेंटिंग्स भी थे और साथ साथ ड्रेसिंग टेबल विच वॉज़ वेरी यूनिक। आगे जाते हम लोग को दिखा एक सिटिंग अरेंजमेंट विच इज़ अ रिसेप्शन एरिया, बहुत ही ब्यूटिफुली डेकोरेट किया हुआ था, एक पेंडुलम क्लॉक एंड अ ब्यूटिफुल ऊटी के लैंडस्केप, वेरी नाइस। उसके साथ साथ हम लोग को लगा एक टाइपराइटर जो वहाँ पे रखा हुआ था, विच मेड द प्लेस ऑल द मोर स्पेशल। फायरप्लेस की अरेंजमेंट किया हुआ था, और राइट साइड में जाते ही हम लोग को मिला एक डाइनिंग अरेंजमेंट्स, वहाँ पे चार डाइनिंग टेबल सेट किया हुआ था वेयर फैमिलीज कैन कम एंड हैव देयर लंच एंड डिनर। साथ में ब्यूटिफुल क्रॉकरी यूनिट्स थे, एक स्टोन वर्क के फायरप्लेस भी अरेंज किया हुआ था, ओवरऑल वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। आगे जाते ही हम लोग को एक बुक शेल्फ मिला, वो देख के मुझे नानी घर की बुक शेल्फ याद आ गई। नेक्स्ट वॉज आवर रूम विच हैड अ हॉल रूम, उसके साथ ये है हमारा बेडरूम और ये है रूम टू। यहाँ पे बेड लगा है, एक अलमीरा है, कॉफ़ी मशीन एक है और अलमीरा, देखते हो क्या है अंदर, हैंगर्स वगैरह है विच इज़ फाइन। उसके अलावा फिटिंग अरेंजमेंट कुछ वुडन चीज़ें और एक फायर प्लेस के लिए ऐसे रखे हैं। नाइस, आई थिंक इट्स नाइस, थोड़ा सा यू नो आर्केक फील आएगा, बट इट्स ओवरऑल वी लाइक्ड इट, है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बज रहा है और ये है ऊटी की सनराइज। काफ़ी क्लाउडी है तो आज सनराइज शायद ना दिखे, बट 6:05 इज़ द टाइम फॉर सनराइज, तो देख रहे हैं इफ वी सी द सनराइज व्यू, वी आर गोना कैप्चर इट। थरथराती हुई कांपती हुई मैं देखी सनराइज व्यू, पूरी तरह दिखा नहीं सन, बट गुड मॉर्निंग। हम लोग तैयार होके अभी निकल गए ऊटी के सफर के लिए,
सुबह के हो रहे हैं 7 और हम लोग पूरी तरह तैयार होके निकल जैक एंड रहे जिल को भी खिला दिया एकदम हैं। ब्रेकफास्ट थोड़ा, और सिर्फ हम लोग का ही ब्रेकफास्ट पेंडिंग, अभी देखते हैं रास्ते में कुछ मिलता है तो मस्त खा लेंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और अभी हम लोग किधर जाने वाले हैं नीला? हम लोग जा रहे हैं टॉय ट्रेन टूरिस्ट पार्क, थोड़ा जल्दी निकल गए, देखते हैं कितना टाइमिंग के टाइम। अनुसार देखते हैं किधर किधर जा पाते हैं। विल ट्राई टू शो यू ऑल द प्लेसेस दैट वी हैव बीन टू। जे ये वेरी जैक जैक इसे पहाड़ों में छोटे छोटे कॉटेजेस कितने अच्छे लगते हैं ना। जॉय लगा रहा है पार्किंग में। हम लोग पहुंच गए ऊटी टॉय ट्रेन स्टेशन। हम लोग अभी आ गए हैं ऊटी स्टेशन। आप लोग देख सकते हैं ऊटी का पुराना एंड एक्चुअल नाम जो है उडगमंडलम स्टेशन। और यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऊटी टॉय ट्रेन्स। ये है स्टेशन की ओवरऑल लुक एंड फील, बहुत ही ब्यूटीफुल और सही था। ट्रेन की मॉडल भी देखिए। ये रहा नीला मॉडल ट्रेन के सामने एंड आई लव ऊटी का साइन है। ये देखिए एक टॉय ट्रेन आ रहा है और हम लोग राइट बैंग ऑन टाइम है आप लोग को कवरेज देते हुए। लेट्स सी। ऊटी टॉय ट्रेन आपको स्टीम या इलेक्ट्रिक दोनों अरेंजमेंट्स मिल जाएगा। आई वुड से इफ यू हैव टाइम गो फॉर द स्टीम वन। ये 1900 सेंचुरी में बिल्ड हुआ है और काफी फेमस टूरिस्ट एरिया है। देखिए इला इधर बैठ के मस्त मजा कर रही है। ट्रैवल तो नहीं कर पा रहे लेकिन बैठने में मतलब भावनाओं को समझिए, ऐसा नहीं। ये देखिए नीला डिसाइड की है अपना फ्यूचर प्रोफेशन, टिकट कंडक्टर फॉर टॉय ट्रेन। सारी जिंदगी ये प्लान भी रखना चाहिए बोल रही है, एकदम मस्त बैठ के मजा ले रही है। जस्ट ऑपोजिट टू टॉय ट्रेन स्टेशन के ना आपको नेटिव्स करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट हैम्पर स्टोर शॉप है। मिलेगा। एक्चुअली हाँ गिफ्ट हैम्पर शॉप है। तो चलिए थोड़ा सा आपको झलक दिखाते हैं क्या क्या है। अगर आपको चाहिए कुछ गिफ्ट प्लीज। लो कल्ली शॉपिंग शॉपिंग मतलब जहां पे देखो लेडीज लोग को कुछ गिफ्ट हैम्पर वाला शॉप दिख जाए समझ लीजिए कि आपका पॉकेट कटने वाला है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी बीवी वर्किंग है, ये आप लोगों के लिए बैकअप प्लान है। अभी क्या खरीदी है नीला होटल जाके दिखा वो थोड़ा एक सरप्राइज है। खास कुछ चीज तो आपको तो मालूम ही है ये सब सरप्राइज सस्पेंस बने रहना चाहिए। तो होटल में जाके आप लोगों को दिखाते हैं क्या लिए। ये अभी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। हम लोग जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेकंड डेस्टिनेशन जो कि है बोटानिकल गार्डन। चलिए जाके सीधा मिलते हैं बोटानिकल गार्डन में। 100 रुपीज का पर हेड टिकट्स है और हम लोगों ने दोनों के लिए ले लिया है। यह है एंट्री बोटानिकल गार्डन का। इसको ऊटी गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन से भी जाना जाता है। एनुअल शो होता है जैसे हमारे बैंगलोर में बोटानिकल गार्डन में होता है लालबाग में सिमिलरली। ये देखिए कितनी खूबसूरत है ऊटी, ऐसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ट्रीज के लिए मशहूर है। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये देखिए जॉय हाउ आर यू फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है सवेरे को आके एकदम, और खाली खाली भी है, एकदम नेचुरल फीलिंग आ रही है, इतना सुंदर है। और वो देखो सनलाइट उधर कैसे आ रही है उधर दूर। हाँ ये जो फर्न हाउस है ये 1894 में बना है और रेयर से रेयरेस्ट काइंड ऑफ फ्लावर्स इसमें आपको वैरायटी देखने को मिले। इतना मस्त लग रहा है ना सुबह सुबह की वक्त। सो इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है। अगर आप आ रहे हो ऊटी सो मस्ट विजिट प्लेस। सबसे पहले जल्दी आ जाओ मजा करो क्योंकि बाद में ना बहुत भीड़ हो जाती है। एग्जैक्टली और उसमें ना उतना ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, लेकिन सवेरे में सनराइज में एटलीस्ट सनराइज होने के बाद 7 बजे तक पहुंच जाओ, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये है बालसम प्लांट्स। वाओ लुक एट दीज प्लांट्स नीला।
cannot believe it's an eyegasm. It's so beautiful. It's so good. जाय कैसे लग रहा है? मैं हॉलैंड के फोटोज में ऐसा देखा था, इंडिया में इतना सुंदर सेटअप, आई कैन नॉट बिलीव। ये देखो सोर्ट पॉइंट, वाओ क्या बनाया है यार। ये देखिए ब्लू कलर के जो फ्लावर्स है, सो डैम गॉर्जियस। देखिए मेक्सिकन स्नोबॉल्स, और ये है अफ्रीकन मिल्क ट्री। It gives a very snowy feel. You've seen in movies, right? Correct. Oh wow. इधर खड़ा होके मुझे लग रहा है really God is great. मतलब look at the expanse around us. मतलब really इतने सारे flowers. I am really impressed and that's so. I mean that too so early in the morning. मजा आ गया देख के पूरा. ये beautiful से glass house देख के ना, I am like आई प्लेजर जो बोलते हैं, वो आई प्लीजिंग इफेक्ट आया, बहुत अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, बैंगलोर की बोटनिकल गार्डन स्पेशली हम लोग जो जनवरी एंड अगस्त में जाते हैं, इतने रश के कारण हम लोग को वो मौका नहीं मिलता इतने क्लोज देखने के लिए। आज एकदम सही टाइम था, एक तो वीकडे है, ऊपर से मॉर्निंग है, कोई बंदा नहीं है बोटनिकल गार्डन में। मैं और जॉय आराम से मस्त से पूरा इंजॉय किए। सुबह सुबह बॉटनिकल गार्डन में आके ना, ठंड तो कड़क की है, 12-13 डिग्री टेम्परेचर, और चाय बनती है। अब जा रहे हैं हम लोग पेट पूजा करने, जाके आपको बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली ब्रेकफास्ट थोड़ा बैंगलोर स्टाइल में किए, जैसे आपको मालूम है राइट, बैंगलोर मतलब एक पफ और चाय। तो नीला एकदम इंस्पायर होके एक पफ और चाय पी इधर, और मैं लिया पेप्सी साथ में, क्योंकि मैं तो चाय कॉफी नहीं पीता। इतना बढ़िया टेस्ट था, क्रंची क्रिस्पी पफ, इतना अच्छा था ना। इफ यू आर कमिंग टू ऊटी, ये प्लेस इज अ मस्ट। प्लेस का नाम है नीलगिरी बेकरी, ओके आप लोग गूगल में देख सकते हो लोकेशन, हम लोग भी डाल देंगे लोकेशन। इनफैक्ट दे वर सो काइंड दैट दे सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दे लाइक द कंटेंट दैट वी आर डूइंग, एंड थैंक यू नीलगिरी बेकरी। उनसे हम लोगों ने एक स्पेशल कुकीज भी लिया, विच इज स्पेशल ऊटी कुकीज, वो लोग बोले। तो रस्ते में सफर में हम लोग जब खाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है रोज गार्डन, और 300 मीटर की दूरी में है अपना रोज गार्डन, और 300 मीटर की दूरी में है अपना रोज गार्डन, और 300 मीटर की दूरी हम लोग पहुंच गए हैं रोज गार्डन। ये रोज गार्डन वन ऑफ द की अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट है। यहाँ का टिकट पर है 75 रुपीज है, और अगर आप व्हीकल लेके आ रहे हैं उसके लिए 50 रुपीज पार्किंग। तो यहाँ पे कहा जाता है मोर देन 10,000 वेराइटी ऑफ रोजेस है। चलिए चल के देखते हैं, इसको गार्डन ऑफ एक्सेलेंस का अवार्ड भी मिला है। हाँ, और ये ना 10 एकर्स के एरिया पे पूरा फैला हुआ है। तो चलिए, वी आर बोथ वेरी एक्साइटेड टू सी इट, लेट्स गो एंड विजिट। जो रोज गार्डन है ये एक्चुअली टेरेस गार्डन है। यहाँ पे मतलब सुंदर से वाटर के फाउंटेन्स भी है, लेकिन अभी तो फिलहाल एक्टिव नहीं है। आप लोग पीछे अगर गौर से देखोगे तो डिसइंफेक्टेशन, या हम लोग जैसे बोलते हैं मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए पेस्टिसाइड्स दिए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस। वी आर लकी कि मानसून के दौरान आए तो काफी सारे रोजेस देखने को मिले, बट इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, हाईली रिकमेंडेड। अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाओ अगेन, you know, and crowd कम रहेगा, you will have a lot of fun. You guys can chill out for good time. यहाँ पे good places to sit है,
गुड प्लेसेस टू हैंग आउट है, बट लिटरिंग स्ट्रिक्टली डिसअलाउड है. प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स इज स्ट्रिक्टली फाइंड है, फाइंड है. तो ऑल दिस स्टफ पुट टुगेदर आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू विजिट. मॉनसूनस के दौरान दिस इज द राइट टाइम टू विजिट, सो दैट यू नो यू कैन गेट द मैक्सिमम ब्यूटी ऑफ द रोजेस. जस्ट इन फ्रंट ऑफ ब्रिक्स मेमोरियल एंग्लो इंडियन स्कूल. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स बाय द वे. स्कूल्स के बारे में, ऊटी हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया. ओके, उनके स्कूल्स में इवन बॉलीवुड स्टार्स भी काफी सारे यू नो स्टडी किए हुए हैं. तो ये वाला ब्रिक्स मेमोरियल एंग्लो इंडियन स्कूल जो है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ ऊटी के नाम पे स्थापित. या फर्स्ट गवर्नर ऑफ नीलगिरिस. देखो ये है पूरा स्कूल, काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है. अच्छा लगता है ऐसे स्कूल्स देख के. ये रहा सीएसआई होली ट्रिनिटी चर्च. अभी अभी जो चर्च देखे ना, सीएसआई ट्रिनिटी चर्च, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन ऊटी. ये बनाया गया था 1858 सेंचुरी, कैन यू बिलीव, जस्ट आफ्टर सिपोई मितिनी. बेसिकली दिस वॉज बिल्ड अप फॉर द ब्रिटिश सोल्जर्स. और अभी यू नो द स्टाइल ऑफ द चर्च इज बेस्ड ऑन द गॉथिक रिवाइवल. तो इसकी विंडोज सारे ग्लास पैनल के बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है. एंड इट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी. लेकिन हम लोग तो देख नहीं पाए, बिकॉज आई मीन हम लोगों को अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी जाने थे, आप लोगों को दिखाना था. बिकॉज पांडिचेरी में याद है काफी सारे चर्चेस आप लोगों को दिखा दिए थे. तो we thought we will explain it to you, ताकि आप लोग अगर आ पाओ, because heart of the city में located है, आप लोग आराम से अगर time मिले तो जरूर देखिएगा. But हम लोग एक जरूर से पक्का से एक अच्छा वाला the best church we wanna show it to you, obviously for architectural reason. एक सुंदर सा खुला मैदान जैसा मिल गया पाइन फॉरेस्ट जाते वक्त. वो यहाँ पे जैक एंड जिल के साथ पूरा मस्ती कर रहे हैं हम लोग. ये देखिए जैक एंड जिल को गोदी में उठा के मस्त मस्ती चल रहा है. और जिल देखिए बोल रहा, मेरे को काय को छोड़ दिया, मैंने क्या घन पाप कर दिया, मेरे को उठाओ. तो नीला भी उसको भी शरीर चल रहा है थोड़ा. आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग कितनी सुंदर जगह पे खड़े हैं. ठीक है, ये देखिए पूरा एक खाली, इतना फ्री लैंड, इतना अच्छा लगता है इतना ग्रीनरी देख के. वांट टू कम डाउन, कितना पसंद है उनको भी ऐसा खाली मैदान. आते ही अपना काम चालू कर दिया. ये देखिए पाइन फॉरेस्ट, इतने टॉल और कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है. तो आपको याद ही रहेगा क्यामत से क्यामत तक गजब का ए दिन का सॉन्ग. सो ये यहाँ पे शूट किया गया था. लॉट ऑफ टूरिस्ट हैज कम. ब्यूटीफुल सी जगह है. थोड़ा आगे एक लेक व्यू भी है. ये देखिए खूबसूरत सी नज़ारा. इट्स लुकिंग सो डैम गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल. कहा जाता है ना, सूरज की किरणें जब इस पाइन ट्रीज से निकल के आते हैं, दिस इज द मोस्ट गॉर्जियस मोमेंट. ये देखिए एमराल्ड ग्रीन ब्यूटीफुल सी लेक, इतनी शांति और पीसफुल है. इफ यू वांट टू अनवाइंड, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस. और आप यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आके घूम सकते हैं. इट्स रियली सो चार्मिंग एंड गॉर्जियस. इस पाइन फॉरेस्ट की ब्यूटीफुल सी एक्सपीरियंस करने के बाद हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. तो चलिए हमारे साथ. ये क्या लेके आए? अरे तुमको मालूम है पांडिचेरी से हम लोग को लत लगी है गोली सोडा की. अभी करो चीयर्स. गोली सोडा चीयर्स. गोली सोडा चीयर्स. चलो पीते हैं. ये देखिए हॉर्स राइडिंग के लिए कितना बढ़िया हेल्दी हॉर्सेस है भाई. आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. नीला का तो बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है हॉर्स राइडिंग में इन द पास्ट. ये रहा 9th माइल वेनलॉग्स डाउन का शूटिंग स्पॉट. 9th माइल क्यों बोलता है, क्योंकि एग्जैक्टली ये 9th माइल दूरी पे है फ्रॉम ऊटी, अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर. तो यहाँ पे काफी फेमस शूटिंग हुआ है, जैसे कभी खुशी कभी गम का. ना दिस इज एंट्री एंड एंट्री का ये फीस लगता है. हमारे पीछे है लशी ग्रीन मीडोज.
ये है इको डेवलपमेंट कमिटी की तरफ बना हुआ है। एंड जॉय यू वांट टू से समथिंग हाँ, स्पेशल? तो नीला ने तो ऑलरेडी बता ही दिया है, ये 9th माइल है, तो हाँ, दैट इज द रीजन यहाँ पे और काफी काफी सारे सारे लोग आते हाँ हैं। फिल्म शूटिंग हुए हैं। जो फिल्म हुआ था ना कुछ कुछ होता है, वहाँ पे दिखाया गया था शिमला पर है यहाँ की मिडोज पे शूटिंग। तो बहुत ही बढ़िया जगह है, भीड़ काफ़ी जम गया है। एंड टुडे इज नॉट इवन सैटरडे, सो इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर इट, अर्ली मॉर्निंग आ जाइए, मिडोज का आनंद लीजिए, निर्मल आनंद लीजिए। ये देखिए, क्यों ना हो इतनी सुंदर जगह में शूटिंग, हम बोलिए सो ब्यूटीफुल। जॉय दिख रहे हैं? जॉय को ऊपर चढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, हम असम के लोग थोड़ा पहाड़ में चढ़ना पसंद करते हैं। तो आ गई मैं टिकट बुक करके। ये है घोड़ सवारी, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए। जॉय तो अभी चिल्लाने लगेगा मुझे घोड़ सवारी का सुन के। 9th माइल के अच्छे व्यू लेने के बाद वी थॉट ऑफ गोइंग टू पाइकरा वाटरफॉल्स। काफ़ी दूर था इसलिए हम लोग व्यू नहीं कर पाए, क्योंकि जैकर झील हमारे साथ थे। यू कैन गो, इट्स अ फेमस टूरिस्टी प्लेस अगेन। ये देखिए, यहाँ से 300 मीटर्स, और बैटरी का के अरेंजमेंट भी है फॉर फिजिकली चैलेंज एनीबडी। और ये कुछ ईच पर्सन 20 रुपीज़ दे चार्ज फॉर वन डे इफ यू वांट टू टेक। यहाँ से और 300 मीटर है, दूर जो है वो है पाइकरा डैम। इसके बाद हम लोग गए चॉकलेट म्यूजियम, विच गेव अस अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अंदर जाते एक वुडन फ्लोरिंग के जैसे बैम्बूस बिछे हुए थे। इट वॉज शोइंग अस द एक्सपीरियंस ऑफ हाउ अ चॉकलेट इज मेड, विच वॉज रियली नाइस। चॉकलेट्स बाय द वे वॉज लिटिल एक्सपेंसिव, बट यू विल हैव द एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद इट। तो वी टुक सम चॉकलेट्स, यहाँ पे काफ़ी सारे वेराइटीज़ हैं एंड वी आर गोना शेयर आवर व्यूज ऑन। हम लोगों ने दिया 2 आमंड ट्रफल। जो यू वांट टू टेस्ट? या आई विल टेस्ट एंड लेट यू गाइस नो। इट इज वेरी गुड, इट हैज दैट क्रम्बी आलमंड टेक्सचर आउटसाइड विद द चॉकलेट, द राइट काइंड ऑफ स्वीटनेस। ये है ऊटी बोटिंग की ऑप्शन, अगर आपको बोटिंग पसंद है यहाँ पे आप ऊटी बोटिंग हाउस से टिकट्स बुक करके बोटिंग पे जा सकते हैं। ये है बोट हाउस एंट्रेंस टिकट काउंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो एडल्ट के लिए टिकट्स हैं ₹20। बोटिंग के ऑपोजिट ही आपको ढेरों सारे शॉपिंग एंड गिफ्ट आइटम्स के पिक्स मिल जाएंगे, विच यू कैन पे फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमारी फर्स्ट रिकमेंडेशन है टू अ प्लेस वेयर वी हैव जस्ट कम, थैंक्स टू जॉय, इतना अच्छा सा एक कैफे ढूंढ के निकाला है। इट्स अ वेरी नाइस, यंग वाइब्स ऑल ओवर है, नाइस म्यूजिक, लाइट्स और अच्छा खाना। सो आई हैव सीन दिस इन द यू नो मेन्यू एंड प्लेट्स में भी बहुत अच्छा लग रहा था। सो वी हैव ऑर्डर्ड चिकन नाचोस, साथ में फ्रेंच फ्राइज, एक कॉफ़ी और कूलर। So let's see, I'm just eagerly waiting to taste कैसे है। तो हम लोग आए शुगर ड्रिबल कैफे, इट इज़ सो ब्यूटिफुली डन, फ्लोरल पेंट्स ऑल ओवर, ब्यूटिफुल फ्लावर्स, बुक्स। साथ में हम लोग लिए बहुत ही क्रिस्पी नाचोस एंड फ्रेंच फ्राइज, विच वॉज सुपर डिलीशियस। कुछ मॉकटेल्स भी साथ में थे, और मैंने लिया था एक हॉट कॉफ़ी विच जस्ट मेड माई इवनिंग। इतना यमी इवनिंग स्नैक्स के बाद वी डिडंट टेक एक्चुअली डिनर। उसके ऑपोजिट ही एक ब्यूटीफुल रीजनेबल चॉकलेट शॉप है, इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड प्लेस फ्रॉम आवर साइड। वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स आपको मिल जाएंगे, हम लोगों ने बहुत सारे पार्सल पैकिंग करवा लिया था अपने घर के लिए, एंड विद दैट वी जस्ट वेंट बैक टू होटल। और ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, आवर नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट अगेन टुमारो। अंटिल देन बाय फॉर नाउ फ्रॉम फिट टुगेदर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो फिट टुगेदर, बाय।